भारतीय क्रिकेट टीम के तूफानी खिलाड़ी और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत काफी दिनों से टीम से बाहर चल रहे हैं और उनकी वापसी का इंतजार फैंस को बड़ी ही बेसब्री से है। माना जा रहा है कि ऋषभ पंत अब आईपीएल में वापसी कर सकते हैं, जो क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़ी गुड न्यूज की तरह होगा। वहीं अगर ऋषभ पंत आईपीएल में वापसी कर जाते हैं तो फिर दिल्ली कैपिटल्स के लिए किसी बड़ी खुशखबरी की तरह होगी। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने अभी उनकी वापसी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया की खबरों में जल्द दावा अलग किया जा रहा है। दरअसल मीडिया की खबरों का दावा सही साबित हुआ तो फिर आईपीएल का सीजन पंत के लिए किसी वरदान की तरह होगा। जी हां, खबरों की माने तो ऋषभ पंत पूरे तरीके से फिट हैं, लेकिन वो आईपीएल में बल्लेबाजी ही करते नजर आएंगे, विकेट कीपिंग नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर बल्लेबाज जब से बाहर हुए हैं उनकी चोट को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में 22 मार्च से आईपीएल 2024 की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की कमान फिलहाल ऋषभ पंत के हाथों में है। उनकी गैर मौजूदगी में डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हैं, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऋषभ पंत शुरुआती मैचेस के लिए शायद उतने फिट नजर नहीं आ रहे, यानी कि शुरुआती चरण में ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हुए नहीं दिखेंगे। खबरों की माने तो दिल्ली कैपिटल्स ये जल्द ऐलान कर सकती है कि ऋषभ पंत शुरुआती 4 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा नहीं होंगे। वो 5वें मुकाबले से दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ जुड़ जाएंगे और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे। ऐसे में ऋषभ पंत के फैंस के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। बीते 2 साल से ऋषभ पंत ने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला। ऐसे में पंत की वापसी का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्रिकेट फैंस कब ऋषभ पंत को मैदान पर वापसी करते देख सकते हैं। हालांकि आईपीएल के पहले मैच से ही दिल्ली कैपिटल्स को उनके वापस आने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल ये उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।